कोरोना से बेशक इस वक्त दुनिया त्राहिमाम कर रही है, लेकिन कोरोना ने हिंदुस्तान को तकनीकी कमी से लड़ना सिखा दिया है। देश में एक से बढ़कर एक आविष्कार हो रहे हैं जिससे देश को कोरोना के खिलाफ लड़ने में मदद मिल सके। इस वक्त देश में कोरोना पर कई तरह के रिसर्च हो रहे हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों की तरह देश के वैज्ञानिक भी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए दवा या टीके को ढूंढ रहे हैं। युद्ध स्तर पर रिसर्च हो रहे हैं, लेकिन इसी रिसर्च के दौरान और दूसरी नई नई चीजों को भी बनाया जा रहा है। कहते हैं इंडिया जुगाड़ का देश है, और इस जुगाड़ के देश में कई तरह की जुगाड़ पद्धति अब काम आने लगी है। ये तापमान मापने वाला नया सेंसर है। मुंबई के नेवल डॉकयार्ड ने शरीर का तापमान मापने के लिए नई सेंसर मशीन तैयार की है। ये पूरी तरह इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इस टेम्परेचर सेंसर की मदद से बड़ी तादाद में लोगों की स्क्रीनिंग हो रही है। इस मशीन की सबसे खास बात है कि सिर्फ 1,000 रुपए में ये बाजार में मिल जाएगी, जो बाजार में मौजूद दूसरे सेंसर के मुकाबले काफी सस्ता है। हाल ही में पुणे की माइलैब में एक ऐसा किट तैयार किया गया जिसे देश में सबसे सस्ता कोरोना किट होने का दावा किया जा रहा है। वायरोलॉजिस्ट मीनल भोसले माइलैब में काम करती हैं। प्रेग्नेंट होने के दौरान ही उन्होंने इस किट को तैयार किया। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि अस्पताल में भर्ती होने के कुछ ही घंटे पहले मीनल भोसले ने इस किट को पूरी तरह तैयार करके हैंडओवर कर दिया था। देश का पहला कोरोना वायरस टेस्टिंग किट अब मार्केट में भी आ चुका है। इसी हफ्ते के सोमवार से इसे देश भर के कई लैब में भेज दिया गया। हर किट की सबसे बड़ी खासियत है कि इससे 100 सैंपल टेस्ट किए जा सकते हैं और जांच का खर्च सिर्फ 1,200 रुपए आता है, जबकि अगर कोरोना टेस्ट किसी विदेशी किट से हो तो इसका खर्चा तकरीबन 4,500 से लेकर 12,000 रुपए तक का आता है। हाल ही में महाराष्ट्र की एक कंपनी ने कोरोना से प्रभावित मरीजों के लिए स्पेशल वेंटिलेटर तैयार किया। इसकी कीमत सिर्फ 50,000 रुपए है। इसमें कोरोना के मरीजों की जान बचाने के लिए सारे फीचर्स मौजूद हैं। इसके साथ साथ अब तो पोर्टेबल वेंटिलेटर भी तैयार होने लगे हैं। पांव से चलने वाला हैंड वॉश, चौंकिए मत, कोरोना संकट के बीच जुगाड़ से तैयार हुआ ऐसा हैंड वॉश जिसे हाथ से छूने का झंझट नहीं, मतलब संक्रमण का खतरा कम। बस पांव से दबाइए और हैंड वॉश का इस्तेमाल कीजिए, इससे पानी की भी बचत होगी। भारतीय रेल की मदद से दुनिया का सबसे बड़ा आइसोलेशन तैयार हो रहा है इंडिया में। ये भी जुगाड़ टेक्नोलॉजी है। रेलवे की नॉन एसी कोच को इसके लिए तैयार किया गया। खबरों के मुताबिक तकरीबन 20,000 कोच को इसके लिए तैयार किया गया है, जिसमें तकरीबन 3.25 लाख लोगों को रखा जा सकता है। ट्रेन में तैयार आइसोलेशन वार्ड से देश के दूरदराज इलाकों में कोरोना पीड़ित मरीजों के इलाज में मदद मिलेगी।